हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक वेबसाइट का रिव्यू लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वेबसाइट में क्या क्या मिलता है, कितने रेट में मिलता है, इसमें आपको शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करते हुए मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। जिस वेबसाइट का रिव्यू मैं आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ, उस वेबसाइट का नाम है सोफिया डॉट ऑनलाइन प्रोडक्ट। इसमें क्या क्या मिलता है वह तो आप मेरी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, वह भी प्राइस के संग। वैसे तो जब मैंने इस वेबसाइट को चेक किया, मुझे इसमें एक से बढ़कर एक घर के लिए प्रोडक्ट और किचन के लिए प्रोडक्ट नज़र आए, वो भी बहुत महंगे महंगे। फ्रिज ले लीजिए, जैसा मर्जी फ्रिज, और भी बड़ा बड़ा प्रोडक्ट मैंने इस वेबसाइट में देखा है, वो भी बहुत कम प्राइस में। आप चाहे तो इस वेबसाइट को खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब इस वेबसाइट को आप चेक करेंगे, इसके प्राइस देख के आप इसमें ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट बहुत सस्ते दामों में दिखा रखा है इन्होंने। यदि आपको ऐसी वेबसाइट कहीं पर भी दिखे तो पहले इसकी छानबीन कीजिए, उसके बाद इसमें शॉपिंग कीजिए। ये जितनी भी नई वेबसाइट हो, कम प्राइस की वेबसाइट होती है ना, उसके ऐड बड़ी बड़ी साइटों में देते हैं ये लोग, जैसे यूट्यूब में, गूगल में, फेसबुक में। मैंने भी इसका ऐड गूगल में देखा था। जब मैंने इसका ऐड गूगल में देखा, मैंने वेबसाइट चेक की, क्योंकि इतने कम प्राइस में इन्होंने ऐड दिया हुआ था। ऐड को देखकर मैंने भी वेबसाइट चेक किया, मैंने सोचा इतने कम प्राइस में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी वेबसाइट है। फिर जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा, इसके ऊपर तो मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन तब इसका नाम दूसरा था। ये लोग नाम बदल बदल के अपना ऐड बार बार दे रहे हैं। वेबसाइट वही होती है लेकिन नाम बदल देते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये वेबसाइट पूरी तरह से फेक है, क्योंकि लाखों रुपए का जो प्रोडक्ट होता है, ये यहाँ पे 1,999 में दे रहे हैं, और भी कम प्राइस में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें। यदि आप इसमें शॉपिंग करेंगे तो आपके पैसे पूरी तरह से डूब जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अमेजन वालों का लोगो भी लगा रखा है। अमेजन वालों का लोगो देख कर हर कोई इसमें शॉपिंग करेगा। अमेजन वालों का लोगो देख कर आप ये बिल्कुल मत सोचिए ये अमेजन वालों का ही वेबसाइट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ लोगो लगाया हुआ है। यदि आपको ऐसी वेबसाइट दिखे तो जल्दीबाजी में ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल मत कीजिए। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपके पैसे पूरी तरह से डूब जाएंगे। और ये अब आप सोचोगे सीओडी का ऑप्शन चुन लेते हैं, सीओडी पे भी आपके संग फ्रॉड होगा, क्योंकि जो मर्जी दे के चले जाएंगे, फिर आप इनको रिटर्न भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर करने से पहले रिफंड, रिटर्न और कैंसिल का ऑप्शन आपको शो तो हो जाएगा, लेकिन एक बार आप ऑर्डर कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन गायब हो जाते हैं, और यहाँ तक कि वेबसाइट ही आपको नज़र नहीं आएगी। इसलिए शॉपिंग बिल्कुल मत कीजिए। आपको इस तरह का ऐड कहीं पर भी दिखे और आपको पता ना चले इसमें शॉपिंग करें या नहीं, क्योंकि इतने कम प्राइस देख के हर कोई सोच में पड़ जाता है। जो हमेशा से शॉपिंग करते हैं उनको तो फिर भी अंदाज़ा हो जाता है कि इतने कम प्राइस में प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट जो लाखों रुपये मिलते हैं। लेकिन जो कभी भी शॉपिंग नहीं करते ऑनलाइन, जब इतना कम प्राइस देखते हैं तो वो भी शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन। वो सोचते चलो इतना सस्ता दे रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, यदि आपको पता ना चले इसमें शॉपिंग करें या नहीं, ये फेक है या रियल है, तो आप YouTube में या Google में सर्च कर लीजिए। यदि आप YouTube में या Google में सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में वीडियो जरूर मिल जाएगी। मैंने भी बहुत सारी फेक वेबसाइट के ऊपर वीडियो बनाई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको भी पता चल जाए कौन कौन सी वेबसाइट फेक है, फिर आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे, इतने लोग फ्रॉड होने से बच सकेंगे और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कॉमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कॉमेंट से मुझे पता चलता है किसके संग फ्रॉड हुआ है, कौन फ्रॉड होने से बच गया। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।